हेलो, वेलकम टू द चैनल आचार्य जी ऑनलाइन। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार भैयावान, कक्षा दसम में लोकतांत्रिक राजनीति भाग दो सामाजिक विज्ञान में पढ़ना है नागरिक शास्त्र, जिसमें अध्याय एक सत्ता की साझेदारी चैप्टर है, जिसका परिचय हम लोग थोड़ा समझ लें। परिचय पिछले क्लास नवम में हम लोग लोकतंत्र के बारे में पढ़े थे, लोकतंत्र की यात्रा कैसे शुरू हुई, जिसमें लोकतंत्र में सरकार के विभिन्न अंग यानी सत्ता का विभाजन, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच किया गया। इन्हीं सत्ता के साझेदारी को आगे हम लोकतांत्रिक राजनीति भाग दो में आगे बढ़ाएंगे और हर विद्यार्थी को परिचय को एक बार अध्यापन से पहले, अध्याय शुरू करने से पहले और बाद में जरूर अध्ययन करना चाहिए। इससे जानकारी होती है कि उस पाठ में या उस अध्याय में किन विषयों का मुझे अध्ययन करना है, या अगर आप करते हैं तो आपको उस विषय के बारे में या उस पाठ के बारे में आप बेहतर समझ सकते हैं। तो सत्ता की साझेदारी से क्या मतलब है? जो सत्ता, चूंकि अंग्रेजी के पुस्तक में पावर शेयरिंग है तो पावर का हिंदी रूपांतरण शक्ति होता है, लेकिन एक्चुअल सत्ता जो है अथॉरिटी शेयरिंग है। जो सत्ता का अलग मतलब है, जो सत्ता का भागीदारी अगर भिन्न भिन्न अर्थों में, मतलब सरकार के अलग अलग अंगों कैसे कार्य करती है, उसमें लोगों की भागीदारी कैसी होती है। यदि लोगों की भागीदारी नहीं हो गई तो उसमें कठिनाइयां आती है, सत्ता को आगे बढ़ने में या देश में ये समस्याएं उत्पन्न होती। छोटा बिंदु है परिवार, परिवार में भी अगर यदि हम सत्ता की बात करते हैं तो वहां भी कठिनाइयां आती है, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अपने अधिकार की चिंता है, सबको अधिकार चाहिए। तो इसमें दो छोटी कहानी है, जिससे इस कहानी से के माध्यम से इस पाठ को, सत्ता की साझेदारी को हम आगे बढ़ाएंगे। पहला है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। तो बेल्जियम में जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप है, इसका एक छोटा देश बेल्जियम है, जिसकी आबादी हमारे भारत के हरियाणा प्रांत के आबादी से थोड़ा ज्यादा है, 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है। इसमें जातीय बुनावट, यह माने जो है बेल्जियम, इसके पड़ोसी देश फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग, इसके पड़ोसी देश हो गए। और इसमें पड़ोसी देश में जो है जातीय बुनावट, अब फ्लेमिश है, दो उसके मानचित्र है, मानचित्र में फ्लेमिश एक क्षेत्र है जिसमें 59% लोग डच बोलते हैं। और बेलोन बेलोन क्षेत्र है 40 फ्रेंच भाषा बोलते हैं। जर्मन एक फीसदी, इन
यह बताने का मतलब है कि इसका समस्या क्या है, इस सत्ता से क्या मतलब, इस जो क्षेत्र है क्षेत्रीयता है, यहाँ क्षेत्रीयता के आधार पर जो है उसका मानचित्र दिया हुआ है। उसमें ऊपर यानी उत्तरी भाग जो पीला कलर रंग में है, जो फ्लेमिश इलाका है जहाँ 59% लोग जो है डच भाषा बोलते हैं, और नीचे जो है वो बेलोन क्षेत्र है जहाँ 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, और उसके पूर्वी क्षेत्र में 1% लोग है जो जर्मन भाषा को बोलते हैं, और वहां जो है समृद्धि की दृष्टि से और ब्रुसेल्स राजधानी जो है ब्रुसेल्स 80% फ्रेंच, 20% डच निवास करते हैं। ऐसा इसलिए है जो संपदा पर उन माने जो है और राजनीति में 40% लोग ही उसके समृद्ध लोग हैं, उसके संपदा पर अधिकार है। 59% लोग जो है वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, और इस कारण जो है 1950 और 60 के दशक में बेल्जियम में तनाव उत्पन्न हो गया इस क्षेत्रीयता के कारण, फ्लेमिश और बेलोन के कारण, यानी ये जो 40% जो है अपने समृद्ध हैं, जिसका स्पष्ट राजधानी में ब्रुसेल्स राजधानी में देखने को मिलता है। समृद्धि के कारण वहां ज्यादातर लोग राजनीति में या आर्थिक समृद्धि के दृष्टि के कोण से फ्रेंच आगे हैं और डच पीछे हैं, जिसके कारण 1950 और 60 के दशक में वहां तनाव बढ़ा, और डच भाषी लोगों ने अपने आर्थिक कमजोरी या और भाषा या शिक्षा में पिछड़ने के कारण वे फ्रेंच भाषी को मानते थे, और जिसके कारण बेल्जियम में तनाव उत्पन्न हो गया। यह क्षेत्रीयता के कारण वहां चूंकि वो छोटा देश है और वहां क्षेत्रीयता का उत्पन्न हो गया। अब दूसरा उदाहरण जो है वह श्रीलंका का है, और श्रीलंका जो है एक द्वीपीय देश है, और इस द्वीपीय देश में वह तमिलनाडु से के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण एशिया का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी हरियाणा की आबादी के बराबर है, लगभग 2 करोड़, यानी हरियाणा के आबादी के बराबर है। वहां एक अलग तरह की समस्या है, वह वहां की जातीय बुनावट सिंहली चौहत्तर फीसदी तमिल 18% ईसाई 7% सिंहली बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, तमिल में श्रीलंकाई
भारतीय श्रीलंकाई मूल के 13% और भारतीय 5%। ईसाई 7%, जो तमिल और माने जो है बोलते हैं तमिल वाले में कुछ हिंदी, माने जो है श्रीलंकाई मूल के तमिल है, भारतीय मूल के वैसे तमिल है जो औपनिवेशिक काल में भारत से बागान में काम करने के लिए वहां ले गए थे। और वहां जो है इन आबादी के कारण श्रीलंका ने 1948 में आजाद हुआ और 1956 में अपने देश में वह कानून बनाया, यानी बहुसंख्यकवाद की नीति बनाई। और बहुसंख्यकवाद की नीति यानी तो समस्या ये आ गई जो वहाँ सारे के सारे विधायिका के लोग सिंहली जीत गए, क्योंकि उसके संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जैसा कि भारत के संविधान में है। भारत जब आजाद हुआ तो अपने संविधान में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सबों को प्रतिनिधित्व दिया, और वहां यह प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, परिणाम हुआ सारे के सारे सत्ता में सिंहली आ गए। और 1956 में उसने कानून बनाया और बहुसंख्यकवाद की बाद की नीति अपनाई। इस बहुसंख्यकवाद में उन्होंने जो कानून बनाया शिक्षा और सरकारी नौकरी में सिंहलियों की प्राथमिकता दी गई। बौद्ध धर्म को, चूंकि सिंहली का धर्म बौद्ध धर्म था इसलिए बौद्ध को प्राथमिकता दिया गया। और भी जो सारी जो भाषा सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। और इस कारण जो है ये जो तमिल और ईसाई अपने को वहां उपेक्षित महसूस करने लगे, उन्हें लगा जो कि अपना भाषा और संस्कृति और हमारे रोजगार के सारे अवसर समाप्त हो जाएंगे। इस कारण उन्होंने जो है अपनी भाषा को राजकीय भाषा, शिक्षा रोजगार के अवसर के लिए उन्होंने, और क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए, क्योंकि मानचित्र में श्रीलंका के मानचित्र में उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में ये श्रीलंकाई और भारतीय तमिल हैं और स्थित हैं, शेष ईसाई क्षेत्र माने कहीं कहीं और मुसलमान हैं, और उन्हें यह प्राथमिकता नहीं दिया गया। इस कारण श्रीलंकाई तमिल ने या इन तमिलों ने, ईसाइयों ने अपने शिक्षा और रोजगार के अवसर के लिए, संस्कृति और भाषा की सुरक्षा के लिए एक अलग संगठन बनाया। कई संगठनों का इस प्रकार से निर्माण हुआ जिसमें लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलनम लिटे, ये 1980 के दशक में ये बनाया गया। और परिणाम यह हुआ कि श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया, यानी गृह युद्ध से मतलब है जो वहां के नागरिक अपने सरकार के खिलाफ यानी युद्ध या विरोध प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। जबकि श्रीलंका यानी दशम के अर्थशास्त्र में विकास के दृष्टिकोण से श्रीलंका में विकास भारत से भी बेहतर था, शिक्षा संस्कृति और स्वास्थ्य के दृष्टि से उसका विकास का पैमाना बेहतर था, परंतु इन गृह युद्ध के कारण श्रीलंका की संस्कृति, आम जनता, ये सारे के सारे लोग प्रभावित हो गए। परिणाम इसका इस कारण हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद की नीति अपनाया और इसके कारण श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया। आगे बढ़े, बढ़ते हैं, छोड़ दें। आप सभी जो है भैया वाहन, बेल्जियम के सत्ता के जातीय बनावट
एवं श्रीलंका के जातीय बुनावट को तैयार करेंगे और मानचित्र के माध्यम से उन्हें दर्शाएंगे। इतना ही कार्य करके गृह कार्य के रूप में मानचित्र बनाना है श्रीलंका का और बेल्जियम का, और उस पर उसका क्षेत्रीयता और जातीयता बुनावट को दर्शाना है। धन्यवाद।